हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट बेसिस फॉर इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, और ये बेसिकली है पार्ट सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक था बेसिस फॉर इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, इसके पार्ट वन में मैंने आपसे डिस्कस किए थे अबाउट डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो दो इंपॉर्टेंट बेसिस जो थे इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आपको फर्स्ट दो बेसिस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के वो क्लियर हो जाएं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में बाकी के जो रिमेनिंग बेसिस हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के, उनके डिटेल्ड आंसर हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशंस। ओके, एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रीटी वेल। सो हमेशा याद रखिएगा 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड बेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो थर्ड जो बेस है हमारा इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन में, वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? इफ एनी वन ऑफ यू इज अवेयर अबाउट इट, यू कैन राइट योर आंसर इन द कॉमेंट। नहीं तो अगर नहीं पता आपको तो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर वन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज दैट सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल्स, सोशल क्लास, पर्सनैलिटी, वैल्यूज। ओके, तो ध्यान रखिएगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बेसिकली वो सेगमेंटेशन होता है मार्केट का जो कि आपका, जिसमें आपके अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ रखते हैं, जो पर्सनालिटी होती है, जो सोशल क्लास होती है, या जो लाइफस्टाइल होती है पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर मार्केट में, या फिर एक ग्रुप की पर्टिकुलर मार्केट में, जब उसके बेसिस पर मार्केट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो वो कहलाती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होती है मार्केट की जहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स को उनके लाइफस्टाइल, सोशल क्लास, पर्सनालिटी या वैल्यू के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में हम बात करें तो लाइफस्टाइल अलग अलग तरह की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग ग्रुप्स की अलग होती है। जैसे कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग लिबरल नेचर के होते हैं, कुछ लोग एडवेंचरसम होते हैं, कुछ स्टेटस सीकर्स होते हैं। ओके, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग लाइफस्टाइल होता है, तो इस बेसिस पर क्या किया जाता है, मार्केट को सेगमेंट या डिवाइड किया जाता है, और ऐसा सेगमेंटेशन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है। ओके, और सोशल क्लास में आप देख सकते हैं अलग अलग क्लास के लोग अवेलेबल हैं, लाइक आपके लोअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास। तो ये सोशल क्लासेस जिसमें सोसाइटी क्या करती है, एक स्टेटस या क्लास आपको प्रोवाइड कर देती है। मिडिल क्लास पीपल बहुत हैं, मिडिल क्लास लोग बहुत हैं इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा सोशल क्लास। तो ये एक कंट्री को या फिर एक लोकेशन को, एक मार्केट को चूज़ करते टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मार्केटर को, कि उनके साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के फैक्टर्स क्या हैं। पर्सनैलिटी, अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, कुछ कंप्लेनेंट्स नेचर के होते हैं, कुछ भी आप कर दीजिए हमेशा कंप्लेन करेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग भी आपने देखे होंगे। एंड एक मार्केट में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, इसको भी कंसीडर करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को चूज़ किया है किसी भी मार्केटर को, तो उस मार्केट में अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग लोगों की वैल्यूज़ क्या है, इसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो आई एम श्योर कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेज, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मार्केटिंग सेगमेंटेशन बाय द मार्केटर्स। तो एक मार्केटर के थ्रू सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेगमेंटेशन जो है वो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसको याद रख लीजिएगा कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेगमेंटेशन मेथड है बाय द मार्केटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नाउ गाइस, अब एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इजी पॉइंट्स में साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है। सो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली सेगमेंटिंग और डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक कैरेक्टराइस्टिक्स। तो जब भी आप
मार्केट में क्या करेंगे, मार्केट को डिवाइड करेंगे या सेगमेंट करेंगे उस मार्केट में रहने वाले ग्रुप्स के साइकोग्राफिक कैरेक्टराइस्टिक्स के बेसिस पर। तो ऐसा सेगमेंटेशन आपका कहलाएगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। आईपी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होता है मार्केट का जिसमें आप क्या करते हो, अलग अलग ग्रुप्स को उनके साइकोग्राफिक कैरेक्टराइस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो। ओके अब साइकोग्राफिक कैरेक्टराइस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, सोशल क्लास हो सकती है, वैल्यूज़ हो सकती है, लाइफस्टाइल्स या पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सो गाइज नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर वन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इट सेज कंपनीज मेकिंग कॉस्मेटिक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, फर्नीचर्स एक्सेट्रा आर ऑलवेज सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन, बट लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन डज नॉट ऑलवेज वर्क। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपका कॉस्मेटिक्स या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस या फर्नीचर में डील करती हैं, वो इस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन का बहुत यूटिलाइजेशन करती हैं। जो हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है उसके बेसिस पर वो क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखाती हैं और एक एक मेजर जो ग्रुप होता है मार्केट का उसको कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। और ये मोस्टली आपका जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है आपको कॉस्मेटिक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस और फर्नीचर या फिर आपका वैसे सेगमेंट्स में मिल जाएगा जो बेसिकली लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। नाउ बात करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मार्केटर अगर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को फॉलो करें तो हमेशा उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस सक्सेसफुल हो। कई बार आपकी अनसक्सेसफुल भी होती है ये पर्टिकुलर सेगमेंटेशन। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, नेस्ले ने एक बार आपका बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था एक स्पेशल ब्रांड कॉफ़ी जिसको बोला था डीकैफिनेटेड कॉफ़ी, जिस जो कि आपके नाइट जॉब्स करने वाले लोगों के लिए उन्होंने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया था, बट वो फेल हो गया, आपका पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, नेस्ले का जो ये प्रोडक्ट था डीकैफिनेटेड कॉफ़ी जो कि लेट नाइटर्स के लिए था, काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ। फिर भी उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की कोशिश करी। तो ऐसा जैसा हमने अब पहले पढ़ा पॉइंट में कि हर बार आपका जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो मार्केटर यूज़ करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी आपको अनसक्सेस भी मिलेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन को यूज़ करते टाइम पर। ओके नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इट सेज सिमिलरली मार्केटर्स यूज पर्सनैलिटीज वेरिएबल्स टू सेगमेंट मार्केट्स, दे एंडो देयर प्रोडक्ट विद ब्रांड पर्सनैलिटी डेट करेस्पॉन्ड टू कंज्यूमर पर्सनैलिटीज। तो बहुत से केसेस में जब भी आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का यूज़ किया जाएगा तो उस केस में क्या करते हैं मार्केटर्स, आपके जो उनके ब्रांड की पर्सनैलिटी होती है उनको लोगों की पर्सनैलिटी के साथ में वो क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब ब्रांड की पर्सनालिटी को लोगों की पर्सनालिटी या उनके स्टेटस के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो स्टेटस के लोग जो कि आपके उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को ज़रूर प्रेफर करेंगे और परचेज करेंगे। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, इन पर्सनालिटी वेरिएबल्स को यूज़ करके मार्केट को सेगमेंट करते हैं और अपने ब्रांड की पर्सनालिटी को कंज्यूमर की पर्सनालिटी से करस्पॉन्ड करा लेते हैं। ठीक है, कैसे, एग्जांपल आपका नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, चलिए उनके थ्रू समझ लेते हैं। तो इन द लेट 1950s फोर्ड एंड शेवरले कार ब्रांड्स हैं जो ये दोनों वर प्रमोटेड एज हैविंग डिफरेंट पर्सनालिटीज़। आपने फोर्ड कंपनी का नाम भी सुना होगा, फोर्ड की कार्स भी देखी होंगी, शेवरले की कार भी देखी होंगी। ठीक है, तो 1950 में आपका जो ये दोनों कंपनीज थी इन्होंने क्या किया, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का यूज़ किया और अपने ब्रांड की पर्सनालिटी को लोगों की पर्सनालिटी के साथ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब फोर्ड ने क्या किया देखते हैं, तो फोर्ड के बायर्स वर आइडेंटिफाइड एज इंडिपेंडेंट, इम्पल्सिव, मैस्कुलिन, अलर्ट टू चेंज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो जो फोर्ड कंपनी के कस्टमर्स थे उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाने लगा, एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो कि इम्पल्सिव है, मैस्कुलिन है, अलर्ट टू चेंज है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो जो फोर्ड कंपनी थी उसने अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को अपने बायर्स की पर्सनैलिटी के साथ से कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे कंज्यूमर्स परचेज करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसके थ्रू आपका क्या करा, मार्केटर्स ने फोर्ड की जो सेल है उसको बढ़ाने की कोशिश करी। एंड जो शेवरले थे, शेवरले कार ब्रांड, उसने आपका बेसिकली बायर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट किया
उनके अकॉर्डिंग चेवरोले जो ब्रांड है वो बेसिकली उन बायर्स के थ्रू परचेज किया जाता है जो कि कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, थ्रिफ्टी होते हैं, प्रेस्टीज कॉन्शियस होते हैं, लेस मैस्कुलिन होते हैं और आपकी एक्सट्रीम सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फोर्ड और शेवरोले ने क्या किया, बेसिकली ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करी। तो देख सकते हैं आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन भी कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है लोगों को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट से सम मार्केटर्स सेगमेंट द मार्केट बाय कोर वैल्यूज़ द बिलीफ सिस्टम दैट अंडरलाई कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। एंड इसके अलावा बात करें दोस्तों, कुछ मार्केटर्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द कोर वैल्यू ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो जो कंज्यूमर्स के एटीट्यूड या बिहेवियर होते हैं उनके एटीट्यूड और बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, एक बिलीफ जनरेट होता है उन कंज्यूमर्स का। तो उस बिलीफ को फोकस रखते हुए मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो साइकोग्राफिक जो सेगमेंटेशन है उसमें आपकी कोर वैल्यूज़ को भी यू नो फोकस में रखते हुए मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज़ को फोकस में रखते हुए भी आपका क्या किया जा सकता है, मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। उनके क्लास को लेकर भी मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा साइकोग्राफिक सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन बेस होता है इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन में। ओके, सो नाउ गाइस अब बात करेंगे अपने चौथे बेसिस की ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन जो कि है बिहेवियर सेगमेंटेशन, ठीक है। तो जानेंगे बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या होता है। सो बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज दैट सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट विच इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स। तो जब भी आपका किसी भी मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा उस मार्केट के कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बेसिस पर, तो ऐसा सेगमेंटेशन बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहलाएगा। आई रिपीट, जब भी आपका मार्केट को सेगमेंट किया जाएगा उसके कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बेसिस पर, तो ऐसा सेगमेंटेशन बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहलाएगा। अब जानेंगे कि कंज्यूमर्स का कैसा बिहेवियर होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स का पहला बिहेवियर हो सकता है उनकी नीड्स और मोटिवेशन से रिलेटेड, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, शेल्टर, सेफ्टी, अफेक्शन, किस क्वांटिटी में उनको रिक्वायर्ड है, तो इससे भी उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को पता करने में, वो है नीड्स और उसकी मोटिवेशन क्या है। ओके, सेकंड आपका जो बिहेवियर यू नो पॉइंट है, जो बिहेवियर कंज्यूमर का जज करता है, डिसाइड करता है, वो है उनका परसेप्शन। एक कंज्यूमर का परसेप्शन कैसा है, क्या वो लो रिस्क लेना पसंद करेगा, मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करेगा, हाई रिस्क लेना पसंद करेगा, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को पता करने में। नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स जो होंगे कंज्यूमर के, ये भी उसके बिहेवियर को पता करने में बहुत हेल्प करते हैं, कैसा बिहेवियर है कंज्यूमर का, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोई भी इंटरनेशनल मार्केटर है तो उसको ये पता करना अगर सबसे ज़रूरी है कि उस कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक कंज्यूमर कितना बेनिफिट आपका लेना चाहता है, कितना कन्वीनियंस को प्रायोरिटी देता है, प्रेस्टीज को प्रायोरिटी देता है, इकोनॉमी या क्वालिटी को प्रायोरिटी देता है, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियरल सेगमेंटेशन फैक्टर है। ओके, तो जब भी आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन फॉलो करेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा एक कंज्यूमर किस बेनिफिट पर ज़्यादा फोकस देता है, क्या वो कन्वीनियंस पर फोकस देता है, प्रेस्टीज पर फोकस देता है, इकोनॉमी पर या फिर क्वालिटी पर फोकस देता है। नेक्स्ट इज रेडीनेस स्टेज, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक कंज्यूमर की रेडीनेस स्टेज क्या है जो कि उसके बिहेवियर को बताती है, क्या कंज्यूमर अनअवेयर है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या कंज्यूमर अवेयर है, क्या कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड है या फिर इंटरेस्टेड है। तो दिस विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेनेवर एनी मार्केटर इज सेगमेंटिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ओके, सो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ चुके होंगे। सो गाइज, अभी एक और पॉइंट बाकी है जो कि बहुत हेल्प करता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को फाइंड आउट करने में, एंड इसके अलावा मार्केटर्स को काफ़ी हेल्प करता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन का बेनिफिट उठाने में, और वो है बेसिकली आपका लर्निंग इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी लर्निंग स्पीड क्या है, क्योंकि लर्निंग स्पीड से ही आपका एक प्रोडक्ट
की या फिर एक सर्विस की यू नो सक्सेस और फेलियर जज की जा सकती है? क्या जो कंज्यूमर्स हैं जिस मार्केट को आप चूज़ करना चाहते हैं, क्या बहुत ही लो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते भी हैं या नहीं, या फिर बहुत ही हाई इन्वॉल्वमेंट रखते हैं नई चीज़ें सीखने में? तो ये भी आपके प्रोडक्ट की सक्सेस या फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े जो कि ये कंज्यूमर्स के बिहेवियर को बताते हैं, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब भी आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पॉइंट्स, नीड्स, मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, बेनिफिट्स, रेडीनेस स्टेज एंड लर्निंग इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो आई एम श्योर ये अब सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो गाइज, इस पर्टिकुलर स्लाइड में डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा अगेन बिहेवियरल सेगमेंटेशन के पॉइंट के बारे में, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये पॉइंट याद रहे। सो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज बेसिकली सेगमेंटिंग और डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो जब भी आप मार्केट को अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बेसिस पर सेगमेंट या डिवाइड करते हैं, तो ऐसा सेगमेंटेशन कहलाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आई रिपीट, व्हेनेवर द मार्केट इज डिवाइडेड और सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, सच अ सेगमेंटेशन इज नोन एज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ओके, तो अब उसमें कौन कौन से आपके बिहेवियर्स आ सकते हैं कंज्यूमर के? इट कैन बी रिलेटेड टू द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर का एटीट्यूड हो सकता है, या कंज्यूमर्स कौन कौन से आपके बेनिफिट्स यू नो पा रहा है उस प्रोडक्ट से, दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है, तो उनके परसेप्शन, उनकी लर्निंग इन्वॉल्वमेंट, बाकी सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं पहले, आप उनमें से भी कुछ पॉइंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्लाइड ये चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। सो नाउ गाइस, अब बात करेंगे हमारे पांचवें और आखिरी बेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, अपने इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के पांचवें बेसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि है बेनिफिट सेगमेंटेशन। याद रख लीजिए, बेनिफिट सेगमेंटेशन। ओके, सो पॉइंट नंबर वन सेज बेनिफिट सेगमेंटेशन इज दैट सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट विच इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स कंज्यूमर्स सीक फॉर फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जब भी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस परचेज करते हैं, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जो होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपका मार्केट कंज्यूमर्स के डिमांड या उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, या उनको जो बेनिफिट चाहिए उसके बेसिस पर मार्केट को जब सेगमेंट किया जाता है, तो ऐसा सेगमेंटेशन बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब भी आपका सेगमेंटेशन किया जाएगा एंटायर मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स जो कि कंज्यूमर क्या यू नो ऑब्टेन करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो ऐसा सेगमेंटेशन बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाता है। थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखिएगा, बेनिफिट सेगमेंटेशन वो सेगमेंटेशन होता है मार्केट का जहां पर मार्केट को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट जो कि आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के थ्रू अवेल करना चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट से इज बेनिफिट सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग कंसीडर्स दैट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट व्हाट इज द वैल्यू परसीव्ड एडवांटेजेस और बेनिफिट दैट अ कस्टमर गेट्स। तो जब भी आप मार्केट को सेगमेंट करेंगे बेनिफिट सेगमेंटेशन के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है उससे क्या वैल्यू, क्या एडवांटेजेस या क्या बेनिफिट रीप किए जाते हैं एक कस्टमर के थ्रू। तो एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है, क्या एडवांटेज आपका ऑब्टेन कर सकता है, या फिर क्या बेनिफिट ऑब्टेन कर सकता है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना होगा, मार्केट को सेगमेंट करना होगा। और जब आप ऐसे सेगमेंट करोगे मार्केट को, तो वो आपका बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट कंज्यूमर्स लुक फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स एंड द मार्केटर नीड्स टू अंडरस्टैंड ईच सेगमेंट एंड अकॉर्डिंगली डेवलप हिज कम्युनिकेशन फॉर ईच ग्रुप। तो गाइज, मार्केट में जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, हर कंज्यूमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, तो एक मार्केटर को सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जिस ग्रुप को भी वो आपका क्या करना चाहेगा, टारगेट करना चाहेगा, उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले मार्केटर को समझना पड़ेगा कि वो ग्रुप या फिर वो सेगमेंट जिसको वो क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बेनिफिट वो रीप करना चाहेगा आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या करने हैं, अपने कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है सो दैट ही और शी कैन अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर
सेगमेंट और द ग्रुप ऑफ द मार्केट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग कंज्यूमर्स होंगे, वो अलग अलग बेनिफिट ऑप्टेन करना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट से। सो मार्केटर को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो सेगमेंट जिसको वो अट्रैक्ट करना चाहता है वो क्या बेनिफिट ऑप्टेन कर सकता है आपकी सर्विस या फिर आपके प्रोडक्ट के थ्रू, और उसी बेनिफिट और उसी यू नो एडवांटेज को उसे पोर्ट्रे करना होगा उन पर्टिकुलर सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि क्या कर सके वो अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस की सक्सेस इंश्योर कर सके। ओके, सो आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइज, जैसा कि हम हर बार करते हैं, स्लाइड में भी अपना एक डायग्राम के थ्रू इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन एन ईजी मैनर। सो बेनिफिट सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटिंग और डिवाइडिंग द एंटायर मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स कंज्यूमर्स गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस होगी उसके थ्रू जो बेनिफिट्स एक कस्टमर ऑप्टेन करना चाहेगा, अगर इस बेसिस पर किसी भी मार्केट को डिवाइड या सेगमेंट किया जाता है तो ऐसा सेगमेंटेशन बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाता है। नाम से ही आपको याद हो जाएगा बेनिफिट, ऐसा सेगमेंटेशन जहाँ पर बेनिफिट की बात की जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को परसीव करते हैं या आपके सर्विसेज के बेनिफिट को परसीव करते हैं, तो इस तरह के सेगमेंटेशन के थ्रू आपका जब भी मार्केट डिवाइड किया जाता है तो वो सेगमेंटेशन बेनिफिट सेगमेंटेशन कहलाता है। ओके, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और अगर आपने नोटबुक बना रखी है जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं तो दैट इज़ ग्रेट। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड एक नहीं मैंने दो एग्जांपल्स आपके इंक्लूड किए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो बात करेंगे नाउ एग्जांपल्स ऑफ बेनिफिट सेगमेंटेशन की। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है आपका वो है स्मार्टफोन्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं नाउ डेज स्मार्टफोन्स आपके नए नए आ रहे हैं विद लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट फैसिलिटीज़, और डेली बेसिस पर ही आपका कोई नया आपको स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए मिल जाएगा। तो स्मार्टफोन्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑफरिंग डिफरेंट बेनिफिट्स टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स, एंड हर स्मार्टफोन में कुछ नया फीचर होगा। किसी का कैमरा अच्छा होगा, किसी का प्रोसेसर अच्छा होगा, किसी की स्पीड अच्छी होगी, किसी में गेम अच्छे खेल सकते हो। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग होती है, एंड अलग रिक्वायरमेंट होने के साथ साथ जो बेनिफिट वो ऑप्टेन करना चाहेंगे आपके प्रोडक्ट से उसका मीनिंग भी अलग होगा। जैसे कि बात करें, स्मार्टफोन्स हेल्प्स इन बिजनेस प्रोफेशनल्स, लेजर किड्स, स्टाइलिश ब्रांड कॉन्शियस पीपल एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेस प्रोफेशनल है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो आपका स्मार्टफोन्स यूज़ करेगा अपने बिजनेस पर्पस के लिए। एक बच्चा जो होगा, एक किड्स की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, तो वो आपका टाइम पास करने के लिए, उस पर गेम खेलने के लिए उनको यूज़ करेंगे मोस्टली। और एक बंदा जो बहुत ही स्टाइल या फिर ब्रांड कॉन्शियस होगा, वो क्या करेगा, महंगे से महंगा फ़ोन ख़रीदेगा, एकदम अच्छा स्टाइलिश फ़ोन ख़रीदेगा, ताकि वो क्या शो कर सके लोगों को कि यस वो ब्रांडेड चीज़ें रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्मार्टफोन्स आपके नॉर्मली तो यूज़ किए जाते हैं ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, और बाकी आजकल आप म्यूज़िक सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए भी उनको यूज़ करते हैं। लेकिन हर एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बेनिफिट रीप करते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के थ्रू। बिजनेस मैन आपके यू नो प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करते हैं, बच्चे आपके खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं स्मार्टफोन्स को। तो ये क्या है, अलग अलग लोगों के लिए उसका पर्पस अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से जब मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, जब यू नो मार्केटर ये चेक करता है कि अलग अलग कैटेगरी जो होगी लोगों की, वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट के थ्रू बेनिफिट रीप कर सकते हैं, क्या वैल्यू की, क्या बेनिफिट वो यू नो परसीव करते हैं आपके प्रोडक्ट से, तो ऐसा सेगमेंटेशन बेनिफिट सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि स्मार्टफोन्स के थ्रू तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मे बी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे, यू आर यूजिंग योर स्मार्टफोन फॉर योर स्टडी पर्पज़, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए इसका अभी बेनिफिट कुछ और है, बाद में कुछ और हो सकता है। तो जो बेनिफिट आप इसके थ्रू परसीव करेंगे अपने स्मार्टफोन के थ्रू, वो एक मार्केटर का बेनिफिट सेगमेंटेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि आपका रिलेटेड है स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड, ठीक है। सो सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक स्पोर्ट्स शूज कैन ऑफर वेरियस बेनिफिट्स फॉर अ डिफरेंट टारगेट ग्रुप। बेनिफिट्स लाइक स्टर्डीनेस, जो कि प्रोफेशनल एथलीट्स को चाहिए, स्टाइलिश
college students etc can all be taken from sports shoes itself. Okay, तो बात करें स्पोर्ट शूज़ की, आप और मैं अगर वियर करेंगे स्पोर्ट शू तो हो सकता है हमें कंफर्ट मिले उसमें या फिर हमें स्टाइलिश लगे इसलिए पहनते हैं, लेकिन जो आपके एथलीट्स हैं वो आपके स्टडी देखते हैं कि आप स्पोर्ट शूज़ काफ़ी स्टडी होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उनके एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए. तो अलग अलग अगेन इंडिविजुअल अलग अलग टारगेट ग्रुप क्या करते हैं, अलग अलग बेनिफिट ऑप्टेन करते हैं आपके प्रोडक्ट के थ्रू. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ बेनिफिट सेगमेंटेशन. ठीक है, तो स्मार्टफोन्स एंड आपके स्पोर्ट शूज़ जो भी हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कैजुअल शूज़ आपके पिक में दिखाए हैं, तो ये सब क्या है, बेसिकली आपके बेनिफिट सेगमेंटेशन का पार्ट होते हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट के थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग टारगेट ग्रुप अलग अलग बेनिफिट्स रीप करने की कोशिश करते हैं. तो उसी को फोकस रखते हुए मार्केटर को क्या करना होता है, मार्केट को डिवाइड करना होता है इन बेनिफिट सेगमेंटेशन. ओके, सो आई एम श्योर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, हमने पाँचों बेसिस पढ़ लिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे. ठीक है, एंड गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलेगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि वो भी अपने स्टडी को और अच्छे से कर सके. और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय.